हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है देवीसा ज्योति ब्लॉग में। और देखिए, सुबह हम यहाँ पे उठ गए थे सुबह सुबह, और अभी 6 बजे का समय हो रहा है। और सबसे पहले मैं यहाँ पे झाड़ू लगा रही हूँ। सुबह सबसे पहले उठने के बाद हमें क्या क्या करना चाहिए, तो सबसे पहले उठने के बाद हमें 1 गिलास गर्म पानी पीना चाहिए गुनगुना, ताकि हमारा पेट और शरीर स्वस्थ रहे। और उसके बाद सबसे पहले झाड़ू लगा देना चाहिए, उसके बाद ही कुछ काम करना चाहिए। तो देखिए, हम सबसे पहले यहाँ झाड़ू लगा रहे हैं, उसके बाद फिर मैं अपनी पोछा लगाने के बाद फिर और भी जो काम होता है नहाने धोने के बाद ही फिर करती हूँ। सबसे पहले मैं झाड़ू पोछा कर लेती हूँ उठने के बाद, और तभी हमारा नाश्ता पानी होता है नहाने धोने के बाद ही। और सबसे पहले अपना शरीर को साफ़ सुथरा कर लेना चाहिए झाड़ू पोछा करने के बाद, तभी और कुछ काम करना चाहिए, जो भी और जो काम होते हैं किचन का। तो देखिए, यहाँ पे हमारा सभी जगह झाड़ू लग गया और पोछा भी लग गया है, और बस अब हम नहा लेंगे। कूड़ा फेंक के आने के बाद फिर फटाफट मैं नहा लूँगी, उसके बाद मैं पूजा वूजा कर लूँगी, डेली का जो रूटीन पूजा वाला होता है वही करूँगी, और उसके बाद फिर मैं किचन में जा कर के नाश्ता बनाऊँगी। और देखिए, हमें सुबह कितने बजे जाग जाना चाहिए, तो मैं वो भी आज बताऊंगी कि अगर आप जल्दी नहीं जाग पाते हैं तो आप कम से कम 5 या 6 के बीच में जाग जाइए, और अगर नहीं जाग पाते हैं तो धीरे धीरे आदत डालिए कि 5 और 6 के बीच में आप जाग जाइए ब्रह्म मुहूर्त में। और जल्दी जागेंगे तो जल्दी सारा काम भी निपट जाता है, हमारा नाश्ता पानी भी टाइम पर हो जाएगा 8 बजे तक। तो इसीलिए जल्दी जागना बहुत ज़रूरी है। आयुर्वेदिक के अनुसार या वैसे भी जागना बहुत ज़रूरी है। अगर 4 बजे नहीं जाग पाते हैं तो 5 या 6 के बीच में जाग जाइए। और देखिए, हमारे आज लंच में एक कर्मी का साग बनाऊंगी, तो वो भी आपके साथ वीडियो मैं शेयर करूंगी कि मैं किस तरीके से कर्मी के साग बनाती हूँ, और खाने में बहुत ज़्यादा टेस्टी होता है। ये मैं बाज़ार से लेकर के आई थी, तो रात में ही साफ़ करके इसको रख दी थी, फिर सुबह उठ के धो के अच्छे से 2-3 पानी से धो लिए थे, और हम टोकरी में छान दिए हैं उसको। जब पानी निकल गया तो हम उसको बारीक बारीक काट लिए हैं। और देखिए, इसमें हमने लहसुन डाला, हरी मिर्च डाली है, और देखिए थोड़ा सा लाल वाली जो मसूर होता है ना, उसका दाल हमने धो करके डाल दिया। ज़्यादा नहीं, 2 से 3 चम्मच डालना है, तो इससे साग बहुत टेस्टी बनता है और बढ़िया होता है। और देखिए, इसमें मैं फिर सभी साग को डाल दूंगी जो कर्मी के साग मैंने काटी है। और ये देखिए, इसमें मैं स्वाद के अनुसार नमक डालूंगी, और बस इसको पहले धीमी आँच पर थोड़ा सा इसको मिक्स कर लूँगी, उसके बाद फिर मैं कुकर में सीटी लगा दूँगी, या 2 सीटी इसको आने दूँगी, उसके बाद मैं बंद कर दूँगी। ज़्यादा देखिए, पानी बिल्कुल भी मैं नहीं डाली हूँ इसमें। अगर पानी डालेंगे तो फिर वो गीला गीला हो जाएगा, फिर आपको ज़्यादा सुखाने पड़ेगा, तो पानी बिल्कुल भी मैंने यूज नहीं किया। आप देख सकते हैं, ये नमक के पानी से ही गल जाएगा ये साग। और कर्मी के साग लोग बोलते हैं कि उसको चमकना नहीं चाहिए, जैसे हम सब्जी को तेल फोरन दे के तड़का लगाते हैं, तो उस तरीके से तड़का नहीं लगाना चाहिए। अब क्यों नहीं लगाना चाहिए इतना मुझे नहीं पता है, पर हमारे गांव में नहीं लगाते हैं, तो मैं इस तरीके से बना रही हूँ कर्मी के साग। और एक तरीका और भी मैं बाद में दिखाऊँगी, जब फिर दोबारा साग ले करके आऊँगी तो फिर दूसरे तरीका भी मैं दिखाऊँगी कि और भी कैसे बनते हैं। तो देखिए, ये साग हमारा बन के तैयार हो गया है। अब इसको कुकर में से निकाल लूँगी, क्योंकि कुकर में दाल भी बनाना है हमें। और देखिए, इसमें मैंने सरसों का तेल डाला है 1 चम्मच, 1 से 2 चम्मच डालें, ज़्यादा नहीं। और हरी मिर्च ऊपर से और भी काट देंगे, 1 हमने हरी मिर्च उबलते समय डाला और 1 ऊपर से मैंने काट दिया, और साग बन के बहुत ज़्यादा टेस्टी बनी थी, क्योंकि मैंने खाई दाल चावल के साग ना, बहुत अच्छा लगता है दाल चावल के साथ ना, साग बहुत ज़्यादा टेस्टी बना था। और इस तरीके से एक बार ज़रूर ट्राई करके देखिएगा, और अगर मेरे वीडियो अच्छे लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद।